भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब नौसेना के युद्धपोत पर दो महिला अधिकारियों की तैनाती होगी। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह को नौसेना के युद्धपोत पर क्रू के रूप में तैनात किया जाएगा। बता दें कि वे ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। इन दोनों महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। नौसेना ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए 17 ऑफिसर्स में से इन दो को चुना है। सूत्रों ने कहा है कि वो MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाती रही हैं और उन्हें राफेल के लिए आंतरिक चयन प्रक्रिया द्वारा चुना गया है। इसके अलावा दोनों महिलाएं नौसेना के 17 अधिकारियों के एक समूह का हिस्सा हैं। इनमें 4 महिला अधिकारी और भारतीय तटरक्षक के 3 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें INS गरुड़ में आयोजित एक समारोह में ऑब्जर्वर्स के रूप में तैनाती को लेकर विंग्स से सम्मानित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ स्टाफ ऑफिसर रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने की। उन्होंने अधिकारियों को पुरस्कार और प्रतिष्ठित विंग्स भेंट किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है जब पहली बार महिलाओं को हेलीकॉप्टर संचालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भारतीय नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों पर महिलाओं की तैनाती का मार्ग प्रशस्त करेगा। बयान के मुताबिक 91 नियमित कोर्स और 22वें SSC ऑब्जर्वर कोर्स के अधिकारियों को हवाई नेविगेशन, उड़ान प्रक्रियाओं, हवाई युद्ध में नियोजित रणनीति, पनडुब्बी रोधी युद्ध आदि का प्रशिक्षण दिया गया। बताते चलें कि भारतीय नौसेना ने पहले भी कई महिला अधिकारियों की भर्ती करती रही हैं, लेकिन अभी तक युद्धपोत पर लंबे समय तक के लिए किसी भी महिला अधिकारियों की तैनाती नहीं की गई है, जिसके पीछे कई कारण हैं। क्रू क्वार्टरों में निजता की कमी और महिलाओं के लिए विशेष बाथरूम व्यवस्था की उपलब्धता न होना। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली 10 महिला पायलट और 18 महिला नेविगेटर हैं। वायुसेना में इस समय महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1875 है। पिछले सप्ताह रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने संसद में कहा था कि वायुसेना में रणनीति आवश्यकताओं को देखते हुए महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल और तैनात किया गया है। पिछले साल 10 सितंबर को वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का पुनर्गठन किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।